सरहदी बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला पुरुष को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लंगेरा निवासी राणाराम देवासी ने कोतवाली पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया था कि वह और उषा निजी बस से अहमदाबाद जा रहे थे। इतने में इको गाड़ी में सवार होकर 8 लोग आए और गाड़ी से नीचे उतारकर उनका अपहरण कर मारपीट की। पुलिस को सूचना मिलते ही शहर भर में नाकेबंदी करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने बायतू के पास अपहरणकर्ताओं के चुंगल से महिला पुरुष को छुड़ाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरहदी बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला पुरुष के अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाकर 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लंगेरा निवासी राणाराम देवासी ने कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि वह और उषा निजी बस से अहमदाबाद जा रहे थे। इतने में इको गाड़ी में सवार होकर 8 लोग आए और गाड़ी से नीचे उतारकर उसका अपहरण कर मारपीट की। पुलिस को सूचना मिलने पर शहर भर में नाकेबंदी करवाएगी, जिसके बाद पुलिस ने बायतू के पास किडनैप करने वालों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके चुंगल से महिला पुरुष को छुड़ाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लंगेरा निवासी राणाराम व पीपार निवासी उषा के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में राणाराम ने पीपार से उषा को लेकर बाड़मेर लेके आया, जिसके बाद वो अहमदाबाद शादी करने के लिए रवाना हुआ था। कोतवाली सब इंस्पेक्टर लूणाराम के मुताबिक लंगेरा निवासी राणाराम ने अपहरण करने की रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एकदम एक राणाराम देवासी है जो लंगेरा का निवासी है, उसने रात में रिपोर्ट दी थी कि भाई मैं उषा नाम की लड़की है जो पीपाड़ बैनर की रहने वाली है, साटिया है, तो उसको मैं शादी करने के लिए यहाँ बाड़मेर लेके आया था। मेरे गांव रुका था और फिर बाद में मैं शादी करने के लिए अहमदाबाद जा रहा था, तो कल रात में 9:30 बजे उसके उषा के कोई रिलेटिव रिश्तेदार वगैरह वो आए थे पीछे गाड़ियाँ लेकर के, तो उसको भाई राणाराम और उषा को उसको बस में से उतार कर ज़बरदस्ती ले जा करके उसके गाड़ी में बिठा करके भगा कर अपहरण करके लेके जा रहे थे। फिर बाद में रात्रि नाकाबंदी करवाई थी गई थी, फिर हमने तत्परता का दिखाते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उसको दस्तियाब करके थाने लाए अभी, और उससे पूछताछ की जाकर 8 मुलजिम है, जिसमें 6 जेंट्स है और 2 महिलाएं हैं और एक गाड़ी है इको, उसको हमने बरामद की है और मुलजिमों को गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किया जाएंगे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वहीं आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीपार निवासी उषा पहले से ही शादीशुदा है